कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है साइकिल पत्रिका से, चोर और पहलवान। इसे लिखा है असगर वजाहत ने। लखनऊ में अमीनाबाद के पास हम लोगों का एक दो मंजिला बड़ा घर था। उसमें बहुत से लोग रहा करते थे। हमारे एक चचेरे भाई को पहलवानी का शौक था। वो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले मकान की छत पर मुगदर चलाने चले जाते थे। वो एक घंटे वर्जिश करते थे। काफ़ी लंबे चौड़े और ताकतवर थे। कई कुश्तियाँ जीत चुके थे। एक दिन सुबह सुबह जब वे छत पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ सूखे नारियल से दो आदमी बेखबर सो रहे हैं। उन्होंने दोनों को गर्दन पकड़कर खड़ा कर दिया। वो दोनों बहुत डर गए। भाई ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने डरते डरते कहा, हम चोर हैं। भाई ने पूछा, फिर चोरी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि हम जब छत पर चढ़े तो देखा कि आंगन में लोग जाग रहे हैं। हमने सोचा कि जब वो सो जाएंगे तब हम नीचे उतरेंगे। हम छत पर लेट गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हमें नींद आ गई। भाई ने पूछा, तुम लोग क्या करते हो? उन्होंने कहा, हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। कई दिन से दिहाड़ी नहीं लगी थी, खाना भी नहीं खा पाए थे, तो चोरी करने आए थे। भाई उन दोनों को नीचे आंगन में ले आए। वहां हम सब भाई बहन चाचा मामा मौजूद थे। हम लोगों ने चोरों को देखा। अम्मा ने पूरी बात सुनकर उन्हें भरपेट खाना खिलाया और उन्हें 5-5 रुपए भी दिए और कहा, आइंदा चोरी मत करना। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।